जी हाँ दोस्तों नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूँ इधर स्नेक रेस्क्यू करने के लिए इनकी ट्यूबवेल पर। आपका क्या नाम है? ओमाराम जी, दांतेड़ा ग्राम पंचायत में। ओमाराम बरगोर ग्राम पंचायत दांतेड़ा। तो आइए देखते हैं कौन सा सांप है, कैसा है। घुमाओ मत। ये देख दोस्तों इधर बीच में फंसा हुआ है इस थपरे के, तो इसकी जान बचाना बहुत कठिन है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको इंजर्ड ना करूं और इसकी जान बचाऊंगा। काफी बड़ा इंडियन स्पेटिकल कोबरा है, तो निकालते हैं इसका सर्च ऑपरेशन करते हैं शुरू। पकड़ो अड्डी रह गया। भाई यहाँ जाए के राउंड मारे। घर कहाँ देखो बंद। ये कहीं ये थोड़ी आवे कोई कूद है। अरे मर गया। बहुत डर, बहुत गुस्से को। ऐसे ऐसे बहुत गुस्सा कर रहा है। हमारे फण है कोई है कहाँ पास गए गए। दोस्तों ये फंसा हुआ है, काफी कलटड़ बहुत डर है, मोटी कल रहे हो। इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इसकी पूंछ में कांटा है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है पूंछ में। इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंजर्ड भी होगा। ये यहाँ पर चिड़ियों के बच्चे और अंडे खाने के लिए चढ़ा था ऊपर। पुट्टी निकाल रहा है। हेलो खाई हो गया पुट्टी निकाल रहा है। अच्छा डरते रह गया इंडिया है। बहुत गुस्सेल कोबरा है। ओके ये है इंडियन स्पेटिकल कोबरा। इसका अंग्रेजी नाम इंडियन स्पेटिकल कोबरा, हिंदी में इसको भारतीय नागखरीस गेवन और पंजाबी में पदम, अपने राजस्थानी में इसको कहते हैं कालिंदर नाग। ये नाम है, वैज्ञानिक भाषा में इसको कहते हैं नाजा। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है, जो मतलब है अपना इसका वेनम है ना अपने शरीर के अंदर, मतलब खून के अंदर इंजेक्ट होकर ना तभी अपने शरीर में वो असर करेगा, नहीं तो मतलब वेनम असर नहीं करता है, जहर नहीं होता इनके अंदर, वेनम पाया जाता है। गुस्से में डरा हुआ है, अभी इसको खतरा महसूस होता है तब ये फुफकार करके डराने की कोशिश करता है। इसके काटने पर आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर इसी के जहर से ही मतलब निकाल कर एंटी वेनम बनाई जाती है। उस एंटी वेनम ही वो ही बचा सकती है आपकी जान। झाड़ फूंक अंधविश्वास कुछ नहीं बचा सकता है। आप चाहे कैसे भी बड़े से बड़े मंदिर पर ले जाइए, लेकिन आप एंटी वेनम से बचेंगे। अगर इसने जहर छोड़ दिया तो एक इसका फर्स्ट बाइट होता है, मतलब ये 100 में से 80 लोगों को बिना जहर के काटता है, तो उसकी डेथ नहीं होगी, 20 को होगी। और उससे भी ज्यादा ये कि मतलब किसी को बाइट कर दिया है, उसको ज्यादा आदमी भेड़ा वो करा और उसको कह देंगे कि यार आपको तो सांप काट दिया, आप बचेंगे नहीं, ये वाला सांप है। तो उसके मतलब हाइपरटेंशन चढ़ जाएगा और जो हार्ट अटैक आके उसकी मृत्यु हो सकती है। अच्छा, उसको हमेशा हौसला देना चाहिए कि भाई तैयार हो जाएगा, हॉस्पिटल चलते हैं, तैयार हो जाएगा, डराना नहीं चाहिए उसको, उसको हौसला बढ़ाना चाहिए। इंडा खावड़ा निकाल दे, इंडा खावड़ा निकाल दे।
मुश्किल है इसको निकालना। ओहो मोटो घना नहीं हो, बहुत बड़ा सांप है। अब हिर के आवे, हिर के तार पास ए मन के चप्पल निकल गई। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा देखिए, अब लाइए बड़ा हाउल बड़ा, इसको सही दिखाई ना दिखा दे थोड़ी, ये देखिए इंडियन स्पेक्टिकल। तो दोस्तों इसको छपरे के अंदर से थोड़ा मुश्किल हुई निकालने में, लेकिन निकाल दिया इसको। अरे अभी इसको तुरंत ही मैं कोई काम जा रहा हूँ तो रास्ते में छोड़ दूंगा, जहाँ पर मतलब नेड़ी बास बस्ती नहीं होगी वहाँ पर, तो इसकी जान बच जाएगी। और साथियों आपको कहना चाहूँगा कि इन बच्चियों को स्कूल जरूर भेजें आप, भले ही एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ही जीवन का आधार है, तो इन बच्चियों को और बच्चों को सभी को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। इसके साथ अब स्कूलें खुल रही हैं, कल से स्कूलें खुल जाएगी, तो मेरे सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। शिक्षा आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ही समाज के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं कर सकते आप। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उमर राम जी का भी, इन्होंने सांप को बचाने के लिए मेरे को कॉल किया, और आगे भी आपके इधर कहीं भी सांप निकले तो आप कॉल कर सकते हैं, मैं आकर के इसको बचाने की कोशिश करूंगा। और आप सबसे निवेदन रहेगा कि कहीं भी आपके किसी भी परिचित को भी अगर सांप बाइट कर जाता है तो उसे आप तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाइए, झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए। धन्यवाद। ठीक को राम जी गुलडवा तांत वास, धन्यवाद आपको भी। जी हाँ दोस्तों, अभी कोबरा को रेस्क्यू करना, तो अब छोड़ रहे हैं इसको इधर।